अस्सलाम वालेकुम, दैट्स मैं गुलबाग कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है वो मोस्ट फेमस फेयरनेस क्रीम वूक्स डीडी क्रीम के ऊपर है। टन टन टन। जी हाँ, ये जो है ओरिजिनल वूक्स डीडी क्रीम और ये बहुत ज्यादा वायरल क्रीम है। तो आज जो है मेरी वीडियो में आपको इसी का रिव्यू देखने को मिलने वाला है, ऑनेस्ट रिव्यू देखने को मिलने वाला है। तो जो नए लोग मुझे देख रहे हो यार, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना, मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनाब, ये है वो क्रीम, ये है वूक्स डीडी क्रीम, ओरिजिनल वूक्स डीडी क्रीम जो कि थाईलैंड से इंपोर्ट की हुई है। अच्छा, ये आपको कहां से मिलेगी ओरिजिनल वाली, ये मैं जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी विद प्राइजेस, तो आप काइंडली वहां से देख लीजिएगा। सो सबसे पहले जो है इसकी पैकेजिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी पैकेजिंग जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इसका डब्बा जो है बहुत ही ज्यादा शाइनी है, बहुत ही शाइनी फिनिश इसका डब्बा है। और जो है इसके पूरे डब्बे में वूक्स डीडी क्रीम ही लिखा हुआ है एज यू कैन सी। और इसका जो मेन लोगो है, जो इसके डब्बे में मेन इसका वूक्स डीडी क्रीम नेम लिखा हुआ है, वो उभरा हुआ है, ठीक है। और पीछे जो है इसके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, किस तरह से इस्तेमाल होता है और बाकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। अब जो है इसको जब हम खोलेंगे तो अंदर से आपको जो है मिलेगा एक अदर ट्यूब जो कि इस तरह से नजर आता है। इसकी जो है पैकेजिंग इज लाइक वेरी सॉलिड और अच्छी वाली क्वालिटी वाइज पैकेजिंग है, वो चीप पैकेजिंग नहीं है, ओरिजिनल वाले की मैं बात कर रही हूँ। पर यहाँ से जो है ये खुलता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप खोलेंगे तो ऐसा ये कुछ खुलने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ से आपको जो है खोलने पर ये क्रीम अंदर से निकलेगी। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये खुद क्रीम इटसेल्फ क्या क्लेम करती है, फिर उसके बाद मैं अपने रिव्यूज शेयर करूंगी जो मैंने इस्तेमाल करने के बाद हासिल किए हैं। ये क्रीम जो है क्लेम करती है कि ये जो है सीसी क्रीम और बेबी क्रीम का अपडेटेड वर्जन है डीडी क्रीम, और ये जापान का बहुत ही न्यू इनोवेशन है जो कि आपकी स्किन को एकदम से फेयर करती है और जो है आपको सन से प्रोटेक्ट देती है, नरिश करती है, नेचुरली वाइट स्किन देती है। और जो है ये ट्यूब का जो कलर है ये हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट है और जो है सबके साथ ये एडजस्ट हो जाता है कलर। ये क्रीम इतने बड़े बड़े दावे नहीं करती है कि हम जो है बुढ़ापे से जवान कर देंगे या वगैरह वगैरह। एज यू ऑल नो कि ये एक फेयरनेस क्रीम है और इसको आप एज अ फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ जो है मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पर कि बीबी क्रीम जो होती है वो स्किन कलर के अकॉर्डिंग होती है, तो अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले उस बीबी क्रीम को इस्तेमाल करते हैं तो उनके स्किन पर वो एक अच्छा लुक देती है। लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है और आप जो है डार्कर टोन में जा रहे हैं तो उसमें आप जब व्हाइट कलर की कोई क्रीम लगाएंगे तो अंडरस्टूड बात है कि वो ग्रेइश लुक देगी, वाइटर या नेचुरल लुक नहीं देगी। लेकिन अगर आप मीडियम फेयर हैं और फेयर हैं तो ये क्रीम आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप जो है कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, इवन अगर आप ऑफिस गोइंग है और आप ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रही हैं जो रेगुलर बेसिस के लिए आपके लिए बहुत अच्छी हो, एक नेचुरल अच्छा जो है फिनिश भी दे, आपको जो है सन प्रोटेक्शन भी दे और जो है एक अच्छा नेचुरल लुक दे और जो है धूल मिट्टी से भी आपको जो है प्रोटेक्शन दे सके, तो ये क्रीम आप लोगों के लिए बेस्ट है। आपने जस्ट इसको थोड़े से अमाउंट में लगाना है एंड लगा के देन जो है आप थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लें और वॉट एवर जो भी आप काजल वगैरह लगाती हैं वो लगा लें, तो दैट लुक विल बी परफेक्ट और बहुत ही इजी टू अप्लाई है। बहुत जल्दी स्किन में जो है आपकी जज्ब हो जाती है, कोई ऐसा स्टिकी नहीं है सबसे पहली बात, और बहुत ही ज़्यादा कोई ऑयली नहीं है। वाटरप्रूफ ये क्रीम है, साबुन से जब तक आप नहीं धोगे तब तक आपकी क्रीम निकलेगी नहीं, और गर्मियों में भी जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो उस हवाले से भी ये क्रीम जो है बिल्कुल पास हुई है। अब जो है मैं इसको हाथ में लगा कर आपको दिखाती हूँ कि इसका इफेक्ट किस तरह से आता है, देन फिर मैं जो है फेस पर अप्लाई करके आपको बताऊँगी। खुशबू इसकी जो है बहुत ज़्यादा सूथिंग है, कोई सी हार्श खुशबू नहीं है कि आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपको जो है एक्नी या कुछ ऐसी चीज़ हो सके। तो सबसे पहले मैं जो है थोड़ा सा लूँगी हाथ पे, लाइक थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हो गया ये, बट एनीवेज, और इसको जो है मैं अपने हाथ पे लगाऊंगी। बहुत जल्दी ही लग जाती है, कोई इस तरह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा थिक हो और आपको ब्लेंड करने में मसला हो, बहुत ज़्यादा इसका लाइट टेक्सचर है, लगाने पर भी जो है फेस पर कुछ ऐसा फील नहीं होता कि आपने लगाया है बहुत कुछ। और अगर आपको जो एक अच्छा सा फिनिश चाहिए हो हाथ पाँव, और क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है बाहर जाने वाले लोगों के साथ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, मेरे जो है आधे हाथ सनबर्न की वजह से डार्क हुए हुए हैं और यहाँ तक यहाँ से मेरा फेस जो है सनबर्न की वजह से थोड़ा सा डार्क हुआ हुआ है, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन है कि आपने जो है लगा लिया तो आपका सब जो है एक टोन हो गया। सो वाओ, यू कैन सी दिस, इतनी जल्दी ये क्रीम लग गई और आप फर्क सामने देख सकते हैं। इस हाथ पे नहीं लगी हुई है, इस हाथ पे लगी हुई है, और थोड़ा सा और ब्लेंड कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि थोड़ी देर में ना ये बहुत ज़्यादा टोन डाउन हो जाता है, मतलब ये जो वाइट वाइट थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको,
ये जो है स्किन के अंदर क्रीम जब जज्ब हो जाती है 10 से 15 मिनट में, देन इसका इफेक्ट बिल्कुल नेचुरल हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो यू कैन सी दिस कि कितना अच्छा इसका इफेक्ट है और कोई स्टिकी नहीं है, कोई चिपचिपा नहीं है और कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप लगा के बोलो कि अरे इरिटेशन हो रही है या बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। सो अब जो है हम फेस पर लगाएंगे। ओके, सो एज यू कैन सी बहुत ज्यादा नेचुरल लुक लग रहा है, कोई इतना ज्यादा हार्श नहीं लग रहा है और जो है नॉर्मल रूटीन में और नॉर्मल बाहर जाने के लिए या नॉर्मल ऑफिस गोइंग वालों के लिए ये क्रीम बहुत ही बेस्ट है। ये जो है बिना कुछ काजल वगैरह और ब्लश लगाए हुए ऐसे दिखती है। अब मैं जो है थोड़ा सा बेसिक मेकअप करके आती हूँ ताकि आपको जो है अंदाजा हो सके कि मेकअप के साथ इसका लुक कैसे आता है। तो जो है थोड़ा सा ब्लश, लिपस्टिक और सुरमे के साथ इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से है। लाइक बहुत ज्यादा रिफ्रेश फेस लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने बहुत कुछ फेस पर लगा लिया हो, मैंने सिर्फ ये लगाई है आपके सामने ही एंड देन मैंने जो है लिपस्टिक लगाई है और जो है थोड़ा सा आंखों में मैंने काजल भर लिया है, थोड़ा मस्कारा कर लिया है और ब्लश लगा लिया है। यस, सो बेसिक चीजें मैंने लगाई है जो कि नेचुरली सब लोग यूज करते हैं। कुछ ऐसा एक्सट्रीम मैंने नहीं किया है कि मैंने जो है हाइलाइटर लगाया, कंसीलर भी किया, कॉन्टोर भी किया। आई डिड नथिंग, आई जस्ट अप्लाई अ ब्लश, लिपस्टिक एंड काजल, दैट्स इट। और इसके साथ जो है इसका लुक कुछ इस तरह से आता है एंड आई डू लाइक इट, बहुत ज्यादा नेचुरल लुक है। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे इसको अप्लाई करने में ऐसा कुछ मसले मसाइल नहीं आए, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन होगी तो आपने जो है मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है साथ में, या फिर इसकी जो है मेरे पास ये वूक्स डीडी क्रीम का लोशन है, इसको आप जो है अप्लाई करके लगा सकती हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। वैसे इसको मैंने यूज किया, ये लोशन भी काफी अच्छा है। और इसके अलावा मेरे पास एक और प्रोडक्ट है जो कि वूक्स डिटॉक्स चारकोल है, बट इनका रिव्यू मैं जो है अलग वीडियो में करूंगी। सो वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है तो उनके लिए जो है यही मशवरा होगा कि एक मॉइस्चराइजर के साथ मिलाकर अप्लाई करें ताकि कोई मसला ना हो। वूक्स डीडी क्रीम बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड थी कि इसके हवाले से बात कर सकूं, तो फाइनली आखिरकार मैंने भी जो है इसका रिव्यू कर दिया एंड इट इज अ ऑनेस्ट रिव्यू। यू कैन यूज इट, आप सन ब्लॉक ढूंढ रहे हैं अगर अच्छी सी कोई, तो आपके लिए ये क्रीम का ऑप्शन बेस्ट है। आप इसको एज अ सन ब्लॉक यूज कर सकती हैं, एज अ अपना रेगुलर बेसिस का कोई फाउंडेशन हो ऐसे आप इसको यूज कर सकती हैं। ये ऑल इन वन पर्पज क्रीम है, इससे आपको जो है थोड़ा सा फेयर लुक भी मिलेगा, थोड़ा सा फ्रेश लुक भी मिलेगा और नेचुरली जो है आपकी स्किन लगेगी, इतना ज्यादा कुछ थोपा हुआ और जो है हैवी हैवी नहीं लगेगा। सो यस, आज की वीडियो में यही था, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज माय ग्रुप आपका दी सिंगल आप श्री, और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।